अभी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। अपना अगला क्वेश्चन है जामा मस्जिद वाला। असी गल तो की वैसे खबर सुनाई है अमन जी ने भी जामा मस्जिद के दाखले के नोटिस नू वापस लैन की खबर है। तुहाडा नजरिया की है ते की कहना चाहोगे? देखो ये मुसलमाना भी इतने इंडिया के त्रासदी कह लो कि इस तरह के मतलब के फतवे और स्टिंग तक भी हो गया कि फतवे मुल वेच रहे ने कुछ ये गलत फैसले मतलब कि इन्हों वास्ते ठीक नहीं है। जिदा हूँ कल जामा मस्जिद के कुड़िया के दाखले से पाबंदी लाई फिर जो रौला पिया इतों तक कि एल जी ने खुद टैलीफोन किया शाही इमाम तो मुड़ के उन्होंने स्टैप बैक कर लिया। हुण इहदा हरेक मंदिरां दे विच वी इह प्रॉब्लम आउंदी है कई थावां ते कि उह जा के कुड़ियां कुछ टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दिंदियां ने ते उह मुकदमेबाजी भी होई है। दरबार साहिब दे विच वी इह समस्या है बिल्कुल। पर इह कह देना कि इह इत्थे कोई घुम्मण फिरन दी जगह नहीं है तुसीं आ नहीं सकदियां तुसीं अपने शौहर नाल आवो जां भैण भरा दे नाल आवो तो उह अपने आप दे विच बड़ा अजीबोगरीब जिहा मसला बन जांदा। तो क्यों कातू तुसी बिना सोचे समझे इस तरह का फैसला लेने हो? ठीक है चलो बाकी आपको अपने धर्म के विच आजाद ने पर फिर जे एडा ही है तुहाडा स्टैंड तो फिर स्पष्ट तौर पर खड़े रहो वापस ले लिया। सो मैं जिदा मतलब कि देख रहा वा कि इन्हां दे कुछ बंदे जिहड़े आ ना वो बहुत गलत चल रहे हैं बिना गल तो फतवा बिना गल तो आ चीजा ए नहीं करोगे वह नहीं करोगे जिंदगी दे विच तो मतलब कि ये अज के दौर कह लो कि इन्ना ज्यादा संभव नहीं है जिन्ना बनाया जा रहा। तो खैर इन्होंने अपना फैसला जोड़ा वापस ले लिया तो हूँ मस्जिद के इकली कुड़ी के दाखले से पाबंदी कोई नहीं होएगी। पर गल यह कि जोड़े लोग उत्थे जाने वाले किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने वाले आ तो उतों की जो रहत मर्यादा है जो उतों की परंपरा वो तो जाणू के जान तो प्रॉब्लम ना आए उत्थे तुम कुछ 10 मिनट 20 मिनट जो भी समा बिता है सुप्रीम कोर्ट चो अटारनी जनरल ने खिज के पुछन नूं चुप कराया की कहना चाहोगे? इस वेले संविधानक बैंच जिहड़ी आ उह मतलब कि इहनूं सुन रही आ बहुत लम्मा चौड़ा विशा वैसे अंदर जाऊंगा ने डिटेल दे विच तां उहदे च की है कि जदों कल दलीलां रखियां जा रहियां सीगियां तां प्रशांत भूषण जी जदों मतलब कि बोलना चाह रहे सीगे तां अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी जिहड़े आ जी तां उह तां फिर दूसरे पासे पटिशनर अनूप बरनवाल इहनां दे वकील जिहड़े प्रशांत भूषण इन्होंने जो अपनी दलील उत्थे रखण की कोशिश की जिदा कह लो कि कई बार बंदा बहुत ज्यादा अपसैट हो जाता है जो बहुत फसिया क्योंकि केंद्र सरकार इस मामले के बहुत बुरी तरह कर चुकी है कि किस तरह चोण कमीशन होवे किस तरह एक दुनिया का सब तो वड्डा लोकतांत्रिक देश होवे किस तरह नियुक्तियां दे नाल खेलिया जा रहा वा नियुक्तियां कीतियां नहीं जा रही नियुक्तियां मतलब कि उन्होंने नाल खेलिया जा रहा वा चाहे वह UPA सरकार हो चाहे ये सरकार हो जी NDA वाली इन दोनों सरकार 2004 तो बाद अज तक किसी भी CAC ने कोई टर्म जी है वह टेन्योर जोड़ा जिन्ना सीगा वो पूरा ही नहीं किया अज तक जबकि ये बहुत वड्डा एक तरह नाल कह लो कि साडे वास्ते आउंदा है क्योंकि फीस का मतलब है कि चीफ इलैक्टोरल कमिश्नर जिहड़ा है जी जिहड़ा यानी कह लो कि जिहड़ा साडा मुख्य चोण कमिश्नर है कमिश्नर आ दूजे नाल हो गया कमिश्नर कले तो यह मुख्य चोण कमिश्नर का मुद्दा है कि अज तक उन्हू 6 साल पूरे नहीं करन दिते जांदे तो इत्थे सुनवाई के दौरान ही साडे पंजाब कैडर दे ने जी मिस्टर गोयल उन्होंने इन्होंने अपॉइंट कर दिता उन्होंने कहा कि ये अपॉइंटमेंट की फाइल लियो ये फाइल देने तो पहला तो आनाकानी करने की उन्होंने कहा कि ये पुत्र देनी पैनी है फाइल लिया उन्होंने तो मुड़ के फाइल चो कहते वाह बेटा मौज कर दी है तो 24 घंटे की तुम नियुक्ति कर दी है आता कमाल की गल है कि 18 VRS हों 19 नियुक्ति बड़ा मतलब कि फास्ट ट्रैक काम किया तो हाँ ये सारा कुछ जोड़ा
ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੋਲਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਸੀ ਲਾਪਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਇਕਲੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਗਰਸਰੀਆ ਜੀ, ਵਾਕਈ 92,000 ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬੜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮੀਟ ਹਲਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਕੈਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਖਾਓ। ਉਹ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕੈਦ ਕੱਟ ਕੇ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਮਦਰਦੀ ਜੀ ਜਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।